लोग पड़े हुए। चार धामों की यात्रा करने निकले मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के लोगों को ये पता भी नहीं था कि उनकी यह यात्रा जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगी। सभी लोग घर से हंसते हुए निकले। इस बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जब बस यमुनोत्री से निकली तो सीधा खाई में समा गई और वो खाई 26 जिंदगियां ले गई। इस बस में कुल 30 लोग सवार थे, जिनमें से केवल 4 लोग ड्राइवर हीरा सिंह, उदय, अखिराज और राजकुमार ही बचे। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुआ इतना दर्दनाक हादसा। बताया जाता है कि एमपी के यात्रियों को लेकर दो बसें यमुनोत्री के लिए निकली। पहली बस करीब 15 किलोमीटर आगे चल रही थी, लेकिन इसी दौरान बस में बैठे एक यात्री को फोन आता है, जिसके बाद उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि फोन पर दूसरी बस के यात्री ने कहा कि उनकी बस खाई में गिर गई है, मैं भी खाई में गिर गया हूं और झाड़ियों में फंसा हूं। ये सुनकर दूसरी बस में बैठे यात्रियों के होश उड़ गए और उसने ये सूचना सभी को दी। इस बीच रिखाऊ खंड नाम की जगह जहां बस गिरी, वहां लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई, लेकिन राहत टीम जब तक दुर्घटनाग्रस्त बस तक पहुंचती, लोगों की चीख पुकार थम चुकी थी। इस बीच मौके पर मौजूद लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जहां घटना हुई है वहां सड़क बहुत संकरी है, इसका चौड़ीकरण किया जाए। तो वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंचे, लोगों का हाल जाना और पीड़ितों के परिवारों को सांत्वना दी और क्या कुछ कहा सुनिए। अभी तक का अपडेट क्या है, आप भी घटना स्थल पर जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के बाद से संपर्क में है और मैं भी रात को 12 बजे यहाँ पहुंच गया था। पहले कंट्रोल रूम में जाके हमने पूरी घटना की जानकारी ली थी। रात को ही सारे सब खाई से निकाल लिए गए और रात में ही पोस्टमार्टम संपन्न हो गया। अब सभी पार्थिव शरीर देहरादून लाए जा रहे हैं, वहां से रवाना हो गए घटनास्थल से। लगभग 10 बजे के आसपास तक यहां देहरादून पहुंच जाएंगे। इसके बाद एम्बॉर्मिंग होगी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि ज्यादा टीमें लगा के जल्दी एम्बॉर्मिंग हो जाए। मैंने आज रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से चर्चा की और उनसे ये प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश यहां से काफी दूर है पन्ना जिला। हादसे की दूसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि ड्राइवर दो रातों से सोया नहीं था। हालांकि ये बात कितनी सच है ये जांच का विषय है, लेकिन अगर ये बात सच है तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है कि ड्राइवरों को पूरी नींद लेना भी जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा झटका दे सकती है ये इस हादसे के बाद देखने को मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।